नमस्कार फरीदाबाद, हम खड़े हैं ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन और आप देख सकते हैं ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन किस तरह से शहर को 2021 में एक भव्य रेलवे स्टेशन मिलने को जा रहा है। उत्तर रेलवे का यह रेलवे स्टेशन है ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन, जिसको कई वर्षों से तैयार किया जा रहा है और एक भव्य रेलवे स्टेशन, एक आधुनिक स्तर का रेलवे स्टेशन शहर के लोगों को इस साल 2021 में भव्य रेलवे स्टेशन लोगों को मिलने जा रहा है, जिसमें सभी सुविधाएं, पार्किंग की हम दिखा दें आपको, ये सारा पार्किंग का एरिया है, लंबी चौड़ी पार्किंग है और ये सुंदर स्टेशन इसको बनाया जा रहा है टेक्निकली रूप से, यहाँ पर काम जारी है और इस साल 2021 में आपको एक सुंदर भव्य और आधुनिकतम रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। हम दिखाएंगे रेलवे किस तेजी से रेलवे स्टेशन पर काम किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जा रहा है और अभी काम चल रहा है, जारी है, निरंतर लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है और 2021 में स्टेशन जो सुपरिटेंडेंट हैं एके गोयल जी, उन्होंने जानकारी दी कि इस 2021 जो वर्ष चल रहा है इसमें बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हम देख सकते हैं युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। और एक आधुनिकतम और भव्य सुंदर रेलवे स्टेशन शहर के लोगों को इस वर्ष 2021 में मिलने जा रहा है। फुट ओवर ब्रिज है, पुराना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी, 5 साल इसको लगभग हो चुके हैं, 4 से 5 साल, लेकिन अभी जो सुपरिटेंडेंट साहब से हमारी बात हुई है 2021 में शहर के लोगों को ये आधुनिकतम रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा और इसकी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अभी रेल खड़ी है। ट्रेन दिखा दें हम आपको, ये इस ट्रेन का नाम मैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भव्य सुंदर ट्रेन आप देख सकते हैं सामने, नॉर्दर्न रेलवे का ये प्रोजेक्ट है और जल्दी ही इस साल ये लोगों को देखने को मिलेगा, एक आधुनिकतम पूरी तरह से संपूर्ण रेलवे स्टेशन होगा जिसमें सभी सुख सुविधाएं लोगों को देखने को मिलेंगी और फरीदाबाद को एक आधुनिकतम रेलवे स्टेशन जो पिछले कई वर्षों से जो शहर के लोगों की जो मांग थी। हाँ जी सर, किसे स्टेशन तो टूट रहा है, नया बन रहा है, बना है तुमने उखड़वा दिया मकान, किसका उखड़ गया, सबका ही उखाड़ दिया तुमने, बचाया क्या है, कौन सा मकान उखड़ गया, जिसके बने वो उखाड़ दिए, जिनके रह रहे वो कोई एक फुटपाथ पर लौट जाए तुम दिखा दो फुटपाथ पर लौटा है, कोई हटाएगा फिर तुम कहोगे सरकार हटा रही है, क्या हटा दिया, कुछ भी ले लो, कुछ भी चीज ले लो, तुम्हारा मकान हटा देगा और क्या, कहाँ से, कहीं से भी लगा लो, कहीं से भी लगा लो और क्या, कहाँ से हटा तुम्हारा मकान, भारत कॉलोनी को तोड़ दिया और क्या, किसने, पहले आपने दिखाया कि अवैध कब्जोर है, फिर आपने जाकर दिखा दिया कि सरकार ने इनका मकान तोड़ दिया। अच्छा, तो अवैध कब्जे तो टूटेंगे भाई, अवैध कब्जे तो टूटेंगे ही, अभी रेलवे स्टेशन जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसके जो प्रोजेक्ट में जो आएंगे मकान है जो है अभी रोड चौड़ा होगा सामने, वहाँ भी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। तो
ये रेलवे स्टेशन है ओल्ड फरीदाबाद का। हम अपनी बात पे आते हैं, और मजदूर यहाँ पर जो कर्मचारी हैं रात दिन लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी 2021 में इसी वर्ष ये रेलवे स्टेशन लोगों को देखने को मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे स्थानीय अधिकारियों से कि किस तरह के इसकी तैयारियाँ की जा रही हैं और कितना समय अभी इसको कंप्लीट होने में लगेगा। स्टेशन अधीक्षक हैं हमारे साथ AK गोयल जी। सर नमस्कार, कैसे हैं? वो सब क्या तैयारी चल रही है स्टेशन को लेकर? मेरे से पूछे आप? हाँ जी, हाँ जी, आप स्टेशन का काम चल रहा है। अभी हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और बढ़ जाएगा। अच्छा, 1 और बढ़ जाएगा, लाइन दी जाएगी, 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो आवागमन के लिए बिल्डिंग तैयार हो गई है। बिल्डिंग तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया। आगे पार्किंग बन गई है पूरी? पार्किंग बन गई है, जैसे जैसे बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होगा उसके बाद पार्किंग का ठेका। तो कब तक संभावना है इनॉग्रेशन, कब तक इस वर्ष? तो साहब देखो, ये तो इस वर्ष लोग उम्मीद कर सकते हैं फरीदाबाद शहर के लोग, एक भव्य स्टेशन जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्डिंग तो देखो नो डाउट इतनी अच्छी बन गई है, लोगों को अर्पित है, लोगों के लिए बनी है, और आने वाले समय में फरीदाबाद की जो है जनता को इतना अच्छा स्टेशन मिल गया है, फुटफॉल भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, और रेलवे को दूसरे बेनिफिट हो गई होगा। अच्छा गोयल साहब, सबसे ज़्यादा समस्या हम जो रेलवे स्टेशन है, बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पर है, लेकिन जो रेलवे के सामने जो रोड है ना, उसकी वजह से जो जाम की स्थिति बन रही थी, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या वो है। देखो जी, रेलवे बाउंड्री से बाहर जो रोड है उसके विषय में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो रेलवे बाउंड्री से बाहर की जो हद है, दैट इज इन स्टेट डिपार्टमेंट। अब वो स्टेट वाले उसको कितना चौड़ा कर सकते हैं, कितना उनके प्लान में है नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अगर ये रोड चोरी हो जाती है और डबल लेन हो जाती है, तो हमारा जो अंडरब्रिज है जो यहाँ जाम लगता है, लोगों को आवागमन बहुत सुविधा हो जाएगी, सुविधा लोगों को बहुत हद तक हो जाएगी। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे 2021 में लोगों को भव्य और आधुनिक स्टेशन देखने को मिलेगा। स्टेशन तो अभी देखने को मिल रहा है। हाँ, मतलब लोग पूरे फायदे जो कंप्लीट हो जाएगा स्टेशन। बहुत अच्छी, ठीक है सर। शहर के लोगों को हम बता दें 2021 में शायद स्टेशन ओल्ड फरीदाबाद जो स्टेशन है तैयार हो जाएगा और लोग इसका आनंद ले सकते हैं। मैं किशोर शर्मा, वॉइस ऑफ फरीदाबाद।